नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। और आज हम चरखी दादरी में, चरखी दादरी में ये बीजेपी दफ्तर है और यहाँ पर सुनील सांगवान जिनको टिकट मिली है। सांगवान साहब, पहला रिएक्शन क्या है आपको, टिकट मिली पहले आप जॉब में थे और अब राजनीति में, पहला रिएक्शन क्या है आपको? रिएक्शन अच्छा है। अच्छा है, रिएक्शन है, खुशी है कि मेरे को, मेरे हल्के के लोगों के लिए काम करने को कुछ मेरे को मौका मिलेगा। यही आपके फादर साहब से भी बात कर रहे थे, बड़े खुश थे वो आज बोंद में जहाँ से शुरुआत की, और कह रहे कि अच्छा लगता है जब बेटे आगे जाते हैं, बच्चे आगे जाते हैं। तो आपका भी यही मानना है कि अब जो शिफ्टिंग हुई है आपकी तरफ पिताजी के साथ, और सपोर्ट मिलेगा उनकी सरगर्दी में, पहला आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी जिम्मेवारी बड़ी है ताकि मैं उनको खुशी की कायम रख सकूँ। जो उनको मेरे को टिकट मिलने पर या मेरी राजनीति में आने पर जो उनकी खुशी मिली है, उस खुशी को मैं कायम रखूँ। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे चरखी दादरी में अब की बार जो किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होने वाला है, या फिर कांग्रेस बीजेपी इन्हीं में चीज़ें घुल मिल जाएंगी? नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे हैं, और कांग्रेस बीजेपी भी है। अगर आपको बीजेपी का MLA बनाना है तो बीजेपी की सरकार आएगी, 100% आएगी। यही है। तो मुद्दे क्या देखते हैं आप चरखी दादरी को? मुद्दे जैसे CCI का है, बाईपास का है, सीवर पानी व्यवस्था का है, बरसाती पानी का है, कई गाँव के अंदर बाढ़ की समस्या है, अनेकों समस्याएँ हैं जो कि जो नुमाइंदों की कमजोरी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है तो स्थानीय जो नुमाइंदे हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पाए। सरकार विकास के कार्य में पैसे की पिछले 10 साल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन को जाके बताए तो सही कि मेरे हल्के में ये चाहिए, किसी ने बताया नहीं, तो फिर कैसे बात? तो ये कमी रह गई कहीं ना कहीं, जो नुमाइंदे थे उन्होंने सही तरीके से बात नहीं पहुंचाई या नहीं रखी, ये 100% 100% 100%। तो जो बोंद से शुरुआत की है आपने तो, और यहाँ तक पहुँचे हैं चरखी दादरी तक, तो किस तरीके के यहाँ पर लोग मिले, बात हुई, सारी चीज़ें? लोगों के अंदर जो मैंने जोश देखा है वो आज तक पहले किसी भी प्रोग्राम में मैंने जोश नहीं देखा था। हजारों की संख्या में भीड़ सिर्फ एक सूचना के ऊपर कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सुनील सांगवान बोंद 9 बजे आ रहे हैं। लोग अपने आप उठ के आए। तो भाषण में क्या कहा? हम नहीं थे वहाँ। भाषण तो मैंने ऊपर दिया था। अच्छा, भाषण ऊपर दिया था, भाषण वहाँ दिया ही नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं दिया। वहाँ नहीं दिया। तो अब क्या है, क्या प्लानिंग है आपकी? अभी मैं एक बार तो दादरी शहर में जाऊँगा, फिर सांगू धाम के ऊपर जाऊँगा, और फिर चौधरी बंसीलाल के समाधि स्थल गोलागढ़ जाऊँगा, उसके बाद मेरे दादा दादी का समाधि स्थल है मेरे गांव में, वहाँ जाऊँगा, उसके बाद स्वामी दयाल हमारा दादरी शहर का, उसमें आके समापन करूँगा। किससे लग रहा है मुकाबला अब की बार, कांग्रेस बीजेपी होगा या कि तीसरी पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार? तीसरा का तो कोई फंड है ही नहीं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस भी बहुत पीछे है, एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा बीजेपी। हाँ। दादरी में या फिर पूरा हरियाणा? आप मैं तो पूरा हरियाणा ही कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, चरखी दादरी में अच्छी स्थिति है, पूरे हरियाणा में अच्छी स्थिति है। हाँ, और चरखी दादरी साइड टॉप कर जाए, ये कह सकते हो, टॉप कर जाए। चलो, आपको शुभकामनाएं। ये थे सुनील सांगवान जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर अब चुनावी अभियान में जाएंगे और क्या क्या मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं। नमस्कार।